सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई वेलकम यू ऑल टू माय YouTube चैनल आके फेमस व्लॉग्स। एंड इस तरह से व्लॉग स्टार्ट करके बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और आज हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, बिकॉज आज हमको ना बहुत ही मस्त जगह जाने का है और जो हमारा बिजनेस का प्लान भी इसमें बहुत दिनों से आप लोग सुन रहे हो तो शायद से वो अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज हमारी मशीन जो है वो ऑर्डर हो चुकी है। और उसके अलावा जो लोकेशन है वो भी एक लोकेशन तो डिसाइडेड है, बट दूसरा एक और रिमोट लोकेशन थोड़ा देख रहे हैं हम लोग जो हमको पास पड़े, तो इस तरह का लोकेशन हम ढूंढ रहे हैं। तो देखते हैं फिर अभी ब्रेकफास्ट के बाद में कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ वो सेटअप देखने के लिए जो हमारे मशीन के लिए लगने वाला है। और इसके पहले जो लोकेशंस देखे थे वो फाइनल, उसमें से एक लोकेशन तो हमने फाइनल की है, लेकिन उसमें शॉर्ट ये हो रहा कि वो लोकेशन सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है और ये इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव भरे रास्ते हैं। मज़ा तो आ रहा गाड़ी चलाने में, लेकिन कैमरा पकड़ के बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ये सारी चीज़ें। एंड के गांव-गांव में भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट चालू है आजकल। यहाँ पे हमने एक क्या बोलेंगे RMC का प्लांट देखा था रास्ते में, फिर एक गार्डन जैसा यहाँ पर बना हुआ है, तो देखते हैं कि कभी टाइम मिलेगा तो गार्डन भी एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ हमारी लोकेशन पे और जस्ट यहाँ पर बाइक पार्क की है और ये यहाँ पे इतने सारे भैंस वगैरह भी है, बट हमारा जो काम है वो भी हमको भी देखने का है, तो चलते और आगे। तो मेरा माइंड कुछ ऐसा चल रहा है कि वो पीछे से जो छोटा हट है तो वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं और यहाँ पे 5-7 मशीन लाइक आराम से फिट हो जाएंगे मे बी। यार गांव के वाइब भी कुछ और रहती है, बहुत मेरे को अलग ही फील हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इधर ही शिफ्ट हो जाऊँ मैं। सो गाइस अभी जस्ट मैं यहाँ पे आया था एंड आपने जैसे देखा कि हमारे लोकेशन के बारे में, और लोकेशन लाइक ऑलमोस्ट फाइनल ही थी हमारी दूसरी जो, और लोकेशन पे हम लोग काम कर रहे थे, बट मेरे को लगा कि वो जो हमारा लातूर वाला लोकेशन है वो सिटी से दूर है, 50-60 किलोमीटर है, तो उससे बेटर है कि ये 10-12 किलोमीटर पे अरेंज करें। एंड थोड़ा सा जो सेटअप है हमारा उसके बारे में अभी देखे हमने, अभी डिसाइडेड कुछ भी नहीं है, मशीन आने में और 4-5 दिन है, जब तक बहुत सारी चीज़ें करनी है, लाइट कनेक्शन एंड ऑल, तो वो हो जाएगा तो फिर देखते हैं कि किस तरह से हमारा सीन बनता है। तो एंड भाई गाँव की वाइब्स क्या ज़बरदस्त होती है, इतना मज़ा आया, हवा बहुत चल रही, शायद से मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, आई डोंट नो, बट ये देखो आप व्यूज़ देखो यहाँ पे मस्त है। तो गाइस ये रास्ता इतना ब्यूटीफुल है, ये रास्ता ना गांव से बहुत ज़्यादा दूर है मतलब सिटी से, लेकिन स्टिल यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे घर और इतने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, देख सकते इतना, मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि हमारे भी खेत में घर होना चाहिए था यार। तो यार कुछ दिन पहले की बात है जब मैं लातूर में था और मैंने ट्रेन के ऊपर से कुछ कमेंट किया था कि भीड़ में ट्रेन कब आएंगी, तो यार मेरे को सीरियसली बाद में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मेरे को बुरा इस बात का लगा था कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ ये, कि मेरे भीड़ में कभी ट्रेन आएंगी भी या नहीं। तो गाइज़ फाइनली अब हमारा भी टाइम आ गया एंड ये ना कुछ इस तरह से हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम बना गाँव में व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा लोग पलट के मेरे मुँह को देख रहे हैं, इसकी कोई हद नहीं है। तो गाइज़ मैं ये कह रहा था कि लोगों को मैंने जब कहा था वी ब्लॉग में अपने कि भीड़ में ट्रेन आएंगी या नहीं आएंगी, तो गाइज़ हमारा फाइनली वेट अब ख़त्म हो गया एंड आपको ये पीछे दिख रहा होगा कि हमारे ट्रेन का काम चालू है एंड यहाँ से बनने वाला है सब वे। तो कुछ टाइम बाद लाइक कम से कम 100-200 साल बाद तो हमारे भीड़ में ट्रेन आ ही जाएंगी और
जब ट्रेन आएंगे तो फिर हमारा डेवलपमेंट तब स्टार्ट होगा जब हमारे पास आएंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और भी बहुत सारे बिजनेसेस। डोंट कॉट मी ऑन दिस, जल्दी से जल्दी ट्रेन आ जाएगी इंशाल्लाह, हार्डली लाइक 1.5 साल 2 साल के बाद। बन रहा है यहाँ पे जो ब्रिज होगा, मतलब टनल जैसे बनेगा, नीचे से रहेगा रोड और ऊपर से जाएंगी ट्रेन, ऐसा मुझे किसी ने तो बताया था पक्का। और ये जो है ना, तो ये है जो ट्रेन के पटरी पे छाते, आई डोंट नो व्हाट दिस कॉल्ड एज, बट यहाँ पे आने वाली है ट्रेन की पटरी। तो गाइस अगर ट्रेन आने वाली है तो ट्रेन के लिए एक जंक्शन भी चाहिए होगा, तो फिर ये बनने वाला है जंक्शन, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। लाइक अभी तो काम इनकम्प्लीट है, बट जैसे ही काम कंप्लीट इसका होने को आएगा ना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। एंड स्ट्रक्चर भी इसका बहुत मस्त है, ये इधर से ऐसे यू यू जैसा पैटर्न, एंड खूबसूरत लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा। और ये शायद से ना स्टेप्स है या फिर पता नहीं क्या बना रहे हैं, चलो अंदर चल के देखते हैं हमको एंट्री वेंट्री मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। वैसे अंदर से तो एंट्री हमको मिली नहीं, बट जो भी है ये बाहर से आप लोग देख सकते हैं। एंड लेकिन इसको ना रास्ता नहीं है अभी यार, मैं जहाँ से रास्ते से आया ना, बहुत ज़्यादा छोटा रास्ता है वो। तो यार ये रास्ता है जहाँ से मैं आया था, लेकिन इतना ज़्यादा छोटा रास्ता है, पता नहीं यहाँ पे बड़ा ट्रांसपोर्ट बड़े व्हीकल्स कैसे आएंगे। लाइक अब रेलवे स्टेशन तक आना है तो लोगों को बड़ी गाड़ी लगेंगे, बसेस लगेंगे, तो उसके लिए पता नहीं किस तरह से ये मैनेज करने वाले, या फिर कहीं और से इसको रास्ता मिलेगा। लेकिन यार मेरा बहुत दिल था अंदर जाने का, अभी हमको अलाउ किया नहीं, बोले सुपरवाइज़र है नहीं, बाद में वो आएंगे तो उनसे बात करो। और लाइक मोस्टली जो लोग बात कर रहे थे ना, वो बाहर के थे, मे बी शायद तेलुगु या कन्नड़ स्पीक कर रहे थे, तो उनको हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही तो उनको तेलुगु और कन्नड़ बोल रहे थे वो लोग, और हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि जाने तो अब इनसे क्या ही बात करेंगे। वो बोले कि सुपरवाइज़र टूटी फूटी हिंदी में सुपरवाइज़र आएगा, तो फिर उसके बाद में वो लोग शायद से अलाउ करेंगे आपको अंदर जाने के लिए, बट अभी के लिए हम अलाउ नहीं कर सकते। तो निराशाजनक वापस लौटना पड़ रहा है, वरना बहुत ज़्यादा मन था। तो लोग इतना गंदा पलट के देखते हैं, हाँ इतना गंदा, क्या एडे चाले चल रहे बोल के। बट चलो अभी अब सीधा जाते हैं हमारे घर को। तो यार सामने के ट्रैक्टर वाला क्या तो इतना गंदा लेके जा रहे, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, इतना दूर हो गया तब भी स्मेल जा ही नहीं रही है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, एंड आपको अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आने वाली वीडियोस के साथ आप लोग अपडेटेड रहे। तो थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ इट, आई विल सी यू सून इन टुमारोज व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।